नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना चैनल कब स्टार्ट किया था, किस प्रकार के वीडियो डाले थे और मेरा चैनल कब मोनेटाइज हुआ है, कितना अर्निंग हुआ है अभी तक, सभी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, यह हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इसमें पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि मेरा चैनल कब स्टार्ट किया था, कब कौन से वीडियो डाले थे, कितने व्यूज़ पर मोनेटाइज हुआ है, कितने सब्सक्राइबर है, सभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट की, अभी तक आपने चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हमारे चैनल पर आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र्स में। अब हम इसमें जाएंगे, अब देख सकते हैं हमारे चैनल में अभी इस प्रकार के वीडियो डले हुए हैं। ये देखिए, हम वीडियो पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम आपको मोस्ट व्यूज़ वाले वीडियो दिखाते हैं, मोस्ट पॉपुलर। अभी तक हमारे चैनल में कुल 334 वाला मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, सबसे ज़्यादा भी अभी तक एक ही वीडियो में आए। और अब हम आपको चैनल के लिए अबाउट में दिखा देते हैं। अभी तक हमारे 3400 व्यूज़ हैं टोटल, और हमने ज्वाइन किया था 25 नवंबर 2015 को, परंतु वर्क स्टार्ट किया था 2020 में। 2020 में हमने चैनल में हम भजन डालते थे पहले, तो हमने फिर जब हमारे 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हो गए तो हमने अप्लाई किया उसको, तो हमारी चैनल को रीयूज कंटेंट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो क्रोम से डाउनलोड करके इसमें डाल देता था और भजन भी लाइव चलाता था, तो मेरे रिजेक्ट कर दिया मेरे चैनल को। तो फिर मैंने ये मेरे चैनल को 17 जनवरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने फिर सारे वीडियो डिलीट करके और ख़ुद की वॉइस वाले वीडियो डालना स्टार्ट किया, और मैंने 7 मई को रीअप्लाई किया और 11 मई को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मुझे 10:59 पे लगभग ईमेल आ चुका था। मैं ईमेल भी बताऊंगा आपको कि ईमेल मेरा कब आया था, किस टाइम को आया था। तो आप देख सकते हैं कि 3400 व्यूज में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और मैंने 2020 से काम करना स्टार्ट किया था, और बीच में मैंने सभी वीडियो डिलीट करके फिर से नए वीडियो स्टार्ट डालना शुरू किया। देख सकते हैं मेरा लास्ट वीडियो कब का है, 2 महीने पहले। 2 महीने मतलब आज से 2 महीने पहले मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था, और मेरी चैनल 11 मई को मोनेटाइज हो चुकी है। मतलब लगभग 2 महीने में मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई है, जिसमें 1000 सब्सक्राइबर तो मैंने जब भजन की वीडियो डालता था तभी पूरे कर लिए थे, और मेरी चैनल पे 4000 घंटे बाइस टाइम 7 मई को कंप्लीट हो चुके थे, और मैंने अप्लाई कर दिया था, तो 11 मई को मेरे पास आ गया था मेल। तो चलिए हम अब उस मेल को दिखा देते हैं आपको। मेल ये 17 मई का है, हम 11 मई में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 11 मई में आ चुका, ये देखिए हमारे पास मेल आ चुका था 11 मई को। 11 मई को 10:53 को मेल आ चुका था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे के वीडियो बिल्कुल मत डालिएगा, दूसरे का कंटेंट बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, आप अपना खुद का कंटेंट यूज़ कीजिए तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आपने एक भी वीडियो दूसरे का डाल दिया, एक भी सॉन्ग दूसरे का डाल दिया, तो आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप खुद के वीडियो डालिएगा, खुद की वॉइस वाले वीडियो डालिएगा तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो 101% आपका चैनल रीयूज कंटेंट के कारण रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद के वीडियो डालिए, मेहनत कीजिए और अपना चैनल मोनेटाइज करवाइए और अपनी अर्निंग स्टार्ट कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ।